हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रेनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में हम जो नाइन्थ क्लास का मैं चैप्टर लास्ट चैप्टर यानी कि फाइव चैप्टर वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन करा रहा हूँ, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने वेजिटेशन पढ़ ली थी और सेकंड चैप्टर में वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। देखिए, अंडरलाइन वर्ड आपको ध्यान से पढ़ने हैं, लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। मतलब अगर फ्लोरा में भी अगर आपका देश धनी है तो आपका देश फाउना में भी धनी है। यानी कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि पूरे संसार में है ना। कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि 90,000 एनिमल स्पीसीज होती हैं और 2,000 लगभग यहाँ पे जो है पक्षियों की जो है स्पीसीज हैं। और दे कॉन्स्टिट्यूट यानी कि 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लगभग 13% बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट वगैरह की ये है ना पाई जाती हैं हमारे देश में। तो लगभग ये बर्ड और यहाँ पे जो प्लांट की तो बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वाइल्ड लाइफ की, तो लगभग 13% वो पूरे संसार का है, ठीक है। तो देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश, यानी कि मछलियों की इतनी प्रजाति हमारे इंडिया में पाई जाती हैं, विच अकाउंट फॉर जो पूरे संसार का लगभग 12% है। और 5 से 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट आर द मोस्ट मैजिस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स, मैमल्स में सबसे जो है मैजिस्टिक एनिमल यहाँ पे जो एलिफेंट है वो सबसे बड़ा जानवर कहते हैं जिसको, है ना, अर्थ पे भी। तो दे आर फाउंड इन द हॉट बेड फॉरेस्ट ऑफ आसाम में, कर्नाटका में एंड केरला में हाथी पाए जाते हैं। वन हॉर्न रिनो यानी कि गेंडा पाया जाता है, एक सिंग वाला गेंडा है ना जो हमारे आसाम में पाया जाता है ना, बंगाल में पाया जाता है, मार्सीलैंड में। एरिड एरिया की बात करें तो कच्छ के रन में, थार डेजर्ट में है ना वाइल्ड डास यानी जंगली गधा पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है, इंडियन विसन और नील गाय पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी चौसिंगा है ना यानी फोर हॉर्न एंटीलॉप, गेजल एंड यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर यानी हिरन की स्पीसीज और सम अदर एनिमल्स, ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। इट आल्सो सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी, यहाँ पर जानवरों की भी कई सॉरी बंदरों की कई प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था कब? 1972 में इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि जानवरों को बचाने के लिए। इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, केवल अकेला देश है, दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयन, जहाँ पे टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन जो गिर फॉरेस्ट यानी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जो है आपका दाढ़ी वाला जो शेर होता है वो पाया जाता है। टाइगर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सुंदरबन बहुत पाए जाते हैं जिसको बंगाल टाइगर का नाम दिया गया है ना, और हिमालय रीजन में भी टाइगर पाए जाते हैं यानी कि सफ़ेद रंग के टाइगर होते हैं, जैसे लीपर्ड होते हैं है ना, लीपर्ड भी हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द लीपर्ड भी जो कैट फैमिली का मेंबर्स है, जैगुआर भी कैट फैमिली का मेंबर्स है, कैट तो अपने आप में है ही, ठीक है। अब मैं आपसे बता दूँ कैट फैमिली में आते हैं, ये कैट फैमिली वो होती है जैसे कि जैसे शेर है ना, बाघ हो गया, ठीक है, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, लीपर्ड हो गया आपका, और एक हो गया आपका ये आपका जैगुआर, ठीक है, और एक हो गया आपका चीता, चीता जो कुत्ते जैसा होता है ना। अब लेकिन अगर आप बात करते हैं हाइना की, तो हाइना जो होता है वो डॉग फैमिली से आता है, ठीक है, ये उसका जो शेप होती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुत्ते के जैसा होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दे आर इम्पोर्टेंट एमंग एनिमल्स ऑफ प्रे, प्रे मतलब कि जो शिकार करने वाले जानवर हैं इनमें सब में ये इम्पोर्टेंट है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन, यानी कि जो एशियाटिक लॉयन है ये यहाँ पर ये गुजरात में रहता है, ये इसका अकेला हैबिटेट है यहाँ पर, मतलब रह पा रहा है अभी, और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, द हिमालयन हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, तो हिमालय में जो बहुत जानवरों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लद्दाख इज़ फ्रीजिंग हाई अल्टीट्यूड आर होम ऑफ याक, लद्दाख में जो केवल याक ही रह पाता है ना, बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में पहुँच जाती है। द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स और ये क्या आपका वाइनिंग अराउंड 1 टन और एंड टिब्बेटन एंटीलॉप या और ये क्या है ब्लू शीप है ना, तो ये सब जानवर हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, वाइल्ड शीप और क्यांग, तिब्बतन वाइल्ड डास को क्यांग कहते हैं है ना। फर्दर मोर द आईबेक्स बियर स्नो लीपर्ड एंड रेयर पांडा यहाँ पर है ना पाए जाते हैं हिमालय रीजन में। इन द रिवर्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टिल क्रोकोडाइल घड़ियाल ये इंडिया में पाए जाते हैं बहुत। तो मैं आपसे बताऊँ सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं आपके इंडिया के अंदर की बात करें तो वो आपके पाए जाते हैं ये जो आपकी चंबल नदी है ना इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटेक्शन एरिया होती है, सबसे पहले मैं आपसे समझा दूँ, यहाँ ध्यान से देखेंगे है ना। सबसे पहले प्रोटेक्शन एरिया, जैसे कि देखो पक्षियों को बचाने के लिए जो एरिया प्रोटेक्टेड की जाती है उसको हम वर्ल्ड सेंचुरी कहते हैं ना। अच्छा, और नेशनल पार्क होते हैं जो राष्ट्रीय
एक पार्क घोषित कर दिया जाता है ऐसे एरिया को जिसमें हंटिंग एंड पोचिंग बैंड होता है, लकड़ी वकड़ी नहीं काट सकते, तो ऐसे एरिया को नेशनल पार्क बोल दिया जाता है ना, जिस पे पूरे मतलब राष्ट्र का होता है। ठीक। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो एक ऐसा क्षेत्र एरिया है ना, प्रोटेक्टेड एरिया मान लीजिए है, और इसमें जंगली जानवरों को बचाने के लिए, जब वाइल्ड लाइफ जीवन को बचाने के लिए जो एरिया प्रोटेक्ट किया जाता है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। तो हमारे देश में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इस मैप में दिए गए हैं, तो ये दाचीगम, दाचीगम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, राजा जी, कॉर्बेट, नंदा देवी, ये सब कहाँ हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फूलों की घाटी भी, एक ध्यान रखना, फूलों की घाटी, राजा जी, कॉर्बेट, दाचीगम। अच्छा, ये दुधवा, अकेला दुधवा जो है वो ये यूपी में है। ठीक है। उसके बाद सरिस्का है ना, रणथंभौर ये है ना, और घाना याद रखेंगे ये आपका राजस्थान में है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। चंद्रप्रभा मध्य प्रदेश में है, नहीं सॉरी, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, राजगीर बिहार में, कान्हा नेशनल पार्क है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में, संजय गांधी आपका ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा, गिर आपका गुजरात में पड़ेगा, आप लिख लेंगे। ठीक है। मानस और काजीरंगा आसाम में पड़ेगा आपका। ठीक है। ये है आपका ये वाला, ठीक, सिक्किम में है ये। उसके बाद सिम्पलीपाल आपका पड़ेगा उड़ीसा में, मैं आपसे बताऊँ उड़ीसा में। ठीक है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो इसमें ऐड करूँगा है ना, जो मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं अलग से, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो पूछे आते हैं। ठीक है। आपका उसके बाद आता है बांदीपुर कर्नाटका, बांदीपुर कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मुडुमलाई तमिलनाडु में। ठीक है। बस इतना काफ़ी है इसमें जो इसमें बता रहा हूँ मैं है ना, वो बाकी मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। ठीक है। उसके आगे चलते हैं हम लोग, उसके आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, केवल जो अंडरलाइन वर्ड है आप उसको देखेंगे। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा फाउना है ना, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स, यानी कि गवर्नमेंट कई स्टेप ले रही है इनको बचाने के लिए। नंबर वन, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, हमारे यहाँ 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना, पहले 14 थे अब 18 हो गए, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरबन, नंदा देवी है ना, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरे, ग्रेट निकोबार, मानस, सिम्पलीपाल, पंचमारी एंड अचंकमार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में इनकी गिनती होती है 10 की, 18 में से 10 की। ठीक है। ये पढ़ लेते हैं माइग्रेटरी बर्ड के बारे में एक बार। देखिए, सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर, यानी कि जो नमी वाली भूमि है हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सी। अब जैसे कि विंटर में जाड़ों में साइबेरिया की तरफ से यानी रूस की तरफ से और पूरे चाइना को क्रॉस करने के बाद पक्षी वहाँ से उड़ करके इधर आते हैं, जिनको हम माइग्रेशन कहते हैं ना, वो माइग्रेट करते हैं ना बहुत लार्ज नंबर्स। और वन सच प्लेस ए फेवरेबल विद बर्ड्स इन रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ की खाड़ी में जो है, और यहाँ पे ये जो थोड़ा सा वेटलैंड है वहाँ पे पक्षी आते हैं। इंडिया में मैं आपसे बताऊँ, जहाँ भी कहीं पानी होगा ना, अच्छा पानी होगा, डैम्स वगैरह होगा, तो वहाँ पे पक्षी आपको देखेंगे कि जब वहाँ जाड़े पड़ते हैं तो ये इधर को आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाड़े पड़ते हैं तो। ठीक है। इंडिया में इधर जाड़े नहीं पड़ते उसके अकॉर्डिंग। तो एट ए प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लेमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक, ये पिंक और है ना प्लूमेज कम इन द थाउजेंड्स ऑफ विल्ड नेस्ट और माउंट्स फ्रॉम द साल्टी मड। अब ये जो साल्टी मड होती है मिट्टी, जहाँ पे डेजर्ट और सी मिलते हैं, तो वहाँ पे ही अपना ये वो बना के मड का एक ढेर सा बना के उसके अंदर ही अपने घोंसले यानी कि अंडे बना देता है ना, अपने बच्चों को पैदा करता है ना। इट इज़ वन ऑफ अमंग मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द, ऐसी बहुत साइटें हैं। ठीक है। ये वाला पक्षी साइड में दिया हुआ है, रण ऑफ कच्छ में है ना, ये गुजरात की साइड में ये आते हैं। तो ऐसी बहुत जगह मैंने बताया ना आपको, जहाँ भी इंडिया में कहीं डैम्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे पक्षी मिलेंगे आपको नए नए तरह के। इन पक्षियों को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है ना, इसमें दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं, ये हज़ारों मील की दूरी तय करने के बाद ये इंडिया में आते हैं। तो ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, कुछ आप पढ़ लेंगे इसमें 14 है, तो इसमें जो लेटेस्ट है वो लेटेस्ट 18 नहीं दिए गए, यहाँ पे 14 दिए गए, लेकिन आप ध्यान रखें कि अब ये 18 हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटानिकल गार्डन, इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प दी जाती है ना, सप्लाई टू मैनी बोटानिकल गार्डन को बाय द गवर्नमेंट, कब से, 1992 से। जैसे कच्छ है, कोल डेजर्ट है ना, सहसाचलाम है और ये पन्ना। ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में, ध्यान रखेंगे आप, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में पूछ लिया था किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। यानी कि टाइगर को बचाने के लिए। ठीक। उसके बाद आता है कि हम आपका
हमारे यहाँ देखो 103 नेशनल पार्क लगभग दिए हैं और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जूलॉजिकल गार्डन भी हैं। ये सब सेटअप किए गए किसको बचाने के लिए, आपकी प्राकृतिक है ना संपदा को, यानी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए। उसके बाद की बात करते हैं तो ऑल ऑफ अस मोस्ट रियलाइज, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम है ना, कि जो इकोसिस्टम है नेचुरल उसकी कितना महत्व है उसके बारे में बताती हैं, फॉर आवर ओन सर्वाइवल यानी हमारे जीने के लिए। इट इज़ पॉसिबल ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड, ठीक है। और ये ज़रूरी है ना कि इमीडिएट एंड यानी इसको ख़त्म किया जाए। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्क्रप्शन ऑफ नेचुरल, यानी कि क्या या एक इतना जल्दी आसान होगा, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब यानी कि बेइनता है ना, डिस्ट्रक्शन विनाश कर रहे हो आप नेचुरल एनवायरनमेंट का कि तुरंत ख़त्म हो जाए। तो ये धीरे धीरे आप सभी लोगों के प्रयास से ही ये ख़त्म होगा। आप ही अपना सहयोग करें, पोचिंग ना करें, हंटिंग ना करें है ना, पेड़ लगाएं और ये वन्य जीवों को बचाएं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें जोड़ रहा हूँ एक वीडियो यानी कि जो मेरे पास अलग से नोट्स बने हैं और उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपकी पूछी जाती है एग्ज़ाम में उनके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मैं अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट आपके नेशनल पार्क बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क हैं लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे मैंने गूगल से जो आपने डाउनलोड किए हैं आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बात यह है कि आपने करने कौन कौन से हैं ना। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आप पूरे के पूरे लर्न कर लें है ना, और आप अपना 10th क्लास का ही देख रहे हैं या छोटे मोटे कॉम्पिटिशन का अगर देख रहे हैं तो कंपटीशन वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला आता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारे भारत का सबसे पहला है, नैनीताल उत्तराखंड में पाया जाता है ना, और इसकी जो लोकेशन है, और इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है ना, इस्टेब्लिश इन 1936, और पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये बहुत एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। और किसके बचाने के लिए, बंगाल टाइगर को बचाने के लिए ये है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनेंगे, ठीक, और देखेंगे, पॉइंट आउट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। काजीरंगा आसाम में पाया जाता है, ठीक है, आसाम के गोलाघाट एंड नागोया डिस्ट्रिक्ट में है ना। और द सेंचुरी होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेस्ट वन हॉर्न्ड रिनोसेरस, ठीक। अब रिनो यहाँ पे होते हैं ना, गेंडे होते हैं ना, वन हॉर्न गेंडा यानी एक सींग वाला, तो सेंचुरी ये होस्ट 2/3 यानी लगभग सब पूरे संसार का लगभग 3 में से 2 हिस्से गेंडे यहाँ पर रहते हैं, और ये यूनेस्को की आपकी लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक। दूसरा आपका, तीसरा आता है आपका गिर फॉरेस्ट है ना, ये गुजरात में बताया था मैंने आपको, लॉयन के लिए हैं, तो एशियाटिक लॉयन को संरक्षण रखने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट और गिर या सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, आमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इसमें पड़ते हैं, ठीक। सुंदरबन की बात करें, सभी जानते होंगे, बंगाल की बात आ रही है यहाँ पे, इट इज़ ए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, एंड बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक, और कवर्ड करता है मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर द बंगाल टाइगर, एंड इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। आता है वो आपके पास इरेबिकुलम, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आ गया था पेंच, थोड़ा सा ये पेंच ध्यान रखेंगे, तो ये पेंच कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। अच्छा, तो ये पेंच किसके नाम पे रखा गया, इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द पेंच रिवर दैट फ्लो थ्रू द पार्क, यहाँ से एक पेंच रिवर बहती है उसके नाम पर रखा गया। उसके बाद सारिस्का, सारिस्का कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। सारिस्का अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है और टाइगर रिजर्व है ये, है ना, रॉयल टाइगर के लिए, रिफ्यूजी रॉयल टाइगर यानी जो बाहर से ला के टाइगर यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क आपका ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में है ना, ठीक है, बालघाट डिस्ट्रिक्ट में, मांडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और ये कान्हा नेशनल पार्क वन ऑफ द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि संसार में जब टाइगर को बचाने की मुहिम चली तो सबसे पहला कान्हा नेशनल पार्क का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं देखिए रणथंबोर, रणथंबोर आपका है राजस्थान में, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, रणथंबोर राजस्थान में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। पेरियार आपका केरला में, क्या होता है यहाँ पे, हाथी बहुत पाए जाते हैं ना, हाथी, टाइगर, एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व, ठीक। दूसरा है आपका बंधवगढ़, बंधवगढ़ आपका कहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बंधवगढ़ मिलेगा आपको ये मध्य प्रदेश में, ठीक। तो और उसके बाद टाइगर रिजर्व के लिए भी है मुडुमलाई तमिलनाडु,
मुडुमलाई तमिलनाडु है ना, दाचीगम मैंने बताया था जम्मू कश्मीर, ओनली एरिया वेयर कश्मीरी स्टैग, यहाँ पे कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे, नागर होल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बनेरघट्टा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बांदीपुर कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये लिखा देखो, लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एलिफेंट इन साउथ एशिया, यानी कि कर्नाटका में हाथी बहुत पाए जाते हैं, तो साउथ एशिया में लिखा है कि लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी के लिए बहुत अच्छा जगह है ना। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में मैंने बताया था आपको है ना। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, गंगोत्री उत्तराखंड में होगा, यमुनोत्री उत्तराखंड में होगा, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड के राजा जी बहुत सारे हैं, राजा जी हो गया। उसके बाद गल्फ़ ऑफ मन्नार की बात करते हैं, तो गल्फ़ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ये समुद्र के किनारे किनारे टापुओं का एक ग्रुप है, लिखा है 21 यानी कि 21 स्मॉल आइलैंड है ना। और यहाँ पे जो कौन सा जानवर आपका, सी काऊ के लिए संरक्षण है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी अना, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे कोलाडियो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चंदोली है ना, टैडोबा, तो मैं आपको बताऊँ फिर संजय गांधी तो ये आपका मुंबई सिटी में पड़ता, मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस आसाम में, ठीक है, ये भी यूनेस्को की साइट में है, नॉन एज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट एंड बायो रिजर्व। ठीक, उसके बाद आता है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है ना, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है, और यहाँ पे जमुनानगर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद 42 आइलैंड से मिलके बना, कोस्ट पे है, वन विहार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। केबुल लामजाओ तक पूछ लिया जाता है क्योंकि मणिपुर में है ये है ना, केबुल लामजाओ ये इंपॉर्टेंट है, ओनली फ्लोटिंग पार्क जिसे कहते हैं हम, ओनली फ्लोटिंग पार्क एंड इंटीग्रल पार्क ऑफ द लोकटक झील, लोकटक झील बड़ी साफ झील है वो, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केबुल लामजाओ ध्यान रखना आप इस चीज़ का, मणिपुर में, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि लोकटक झील आपकी कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ऐसा कोई खास, हैरेट भी कोई इतना, हैरेट ध्यान रखेंगे आपका, ये अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में है ना, अंडमान निकोबार में मैं आपको बताऊँ साउथ बटन नॉर्थ बटन इस तरह से भी हैं, एक सबसे छोटा जो नेशनल पार्क आपका, सबसे छोटा तो आपका अंडमान निकोबार में साउथ बटन के नाम से, और सबसे बड़ा इंडिया का हेमिस हाई के नाम से है जो कि जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना हेमिस हाई, ठीक है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये वाला भैया ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा है ना, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है तो उनको तो आप ज़रूर ही कर लेंगे। अब मैंने बताया 36 दे रखे हैं इसमें, मैंने गूगल से ये अपलोड किया, आप भी कर सकते हैं, 103 करीब हैं, लेकिन आप मेन मैंने आप बता दिए काफ़ी हैं, ये किसी भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कंचनजंगा सिक्किम में है, सभी जानते होंगे, चोटी है तो वहीं नेशनल पार्क के नाम से कर दिया गया उसको है ना। कंचनजंगा की हाइट भी दे रखी है 8,586 मीटर और फीट में भी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद आता है नोकरेक, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोकरेक कहाँ है, मेघालय में है ना, और यूनेस्को एडेड टू दिस पार्क लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, ये बायोस्फीयर रिजर्व में है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली का नाम सुना होगा आपने, साइलेंट वैली आपका केरला में, यहाँ पे हाथी का संरक्षण होता है ना, यहाँ पे हाथी का संरक्षण होता है। और एक आपका सालीमली का नाम सुना होगा आपने, तो सालीमली जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में, ये पक्षी प्रेमी थे सालीमली है ना, सलीमली भी कहते हैं कुछ, सालीमली कहते हैं, ठीक है। तो अब ये पक्षी प्रेमी थे तो इन्हीं के नाम पर जो है वो पक्षी यानी कि वर्ल्ड सेंचुरी बना दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये पूरे हो जाते हैं, मतलब पूरे तो नहीं, वैसे तो बहुत सारे हैं, देखिए लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स, पहले बता रहा हूँ मैं कि 103 है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, 103 काफ़ी हो गया, मैंने कहा 30 भी अगर हमारे हो गए तो काफ़ी हो गए हैं, कुछ आपकी बुक में दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ रिजर्व देख लीजिए 50 है ना, टाइगर रिजर्व, और टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट तो 32 हाथी को बचाने के लिए, टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 543, कहाँ तक नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 18, अब 18 हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मराइन नेशनल पार्क है ना एंड वाटर सेंचुरीज इन इंडिया 5, आसानी से याद हो जाएगा, 103 नेशनल पार्क, 50 टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व 32, वाइल्ड लाइफ 543, बायोस्फीयर रिजर्व 18 और 5 आपके। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये बदलता रहता है, जो फैक्चुअल जी के होती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अब ये चीज़ बदलती रहती है, आज 18 हो गए, 14 से पहले 18 हो गए, तो भैया बायोस्फीयर आगे बढ़ भी सकते हैं, सेंचुरी बढ़ सकती हैं है ना, चलिए घट बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी करंट में आप 2020 में ये सब चीज़ें याद रखेंगे कि करंट में इतना कुछ है। ठीक, आगे चलते हैं हम, आगे चलेंगे तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, यानी कि हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो बनी थी
1952 में, 88 में इसको मतलब फिर से मॉडिफाइड किया गया। तो बस प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973 में स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। ये बहुत पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग 100 को एग्ज़ाम अगर हो रहे हैं तो 90 को एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन रखा हो मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत कम पूछा जाता है 1992, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में स्टार्ट हुआ था, और डॉल्फिन को अपना जलीय, हमारा जो जलीय जीव है ना, हमारा वो राष्ट्रीय जलीय जीव, वो डॉल्फिन का घोषित किया गया। तो ये 2008 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आपने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।